हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मूव और एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में। तो दोस्तों, अगर कल का आप कैंडल देखे तो मैंने आपको बताया था कि कल का कैंडल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है, दैट वाज 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर आप उससे सपोर्टिंग कैंडल देखे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से जब मार्केट ओपन हुआ था तो फिर उसने अच्छी खासी हाई बनाई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लेवल पर मार्केट में बाइंग आनी चाहिए और ऊपर की तरफ का एक मूव बनता है। तो हमने कल 9600 के कॉल ऑप्शन परचेज करे थे और मार्केट जैसे ही सुबह खुला तो थोड़ी देर के बाद हमने 9610 के आसपास हमारे पोजीशन कवर कर ली थी और दिन भर हमने फिर कोई कामकाज नहीं किया था। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ का ही रुख आना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें तो मार्केट में ऊपर की तरफ का जब भी मूव आता है वो सेल हो जाता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बेरिश क्रॉस ओवर अभी बना हुआ है। जनरली मार्केट में जब ऊपर की तरफ के लोज बनते हैं तो जो बेरिश क्रॉस ओवर होता है उसके बीच कैप कम होना जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो आज वो कैप बड़ा है। तो ये एक थोड़े मेरे कंसर्न की बात है। जनरली हम जब वीकेंड्स रहते हैं तो पोजीशन नहीं बनाते, क्योंकि दो दिन की छुट्टी रहती है तो टाइम डीके भी थोड़ा हो जाता है और दो दिन के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो जाएंगे पता नहीं रहेगा, तो रिस्क ज़्यादा रहता है। इसलिए हम जनरली वीकेंड्स में पोजीशन बनाते नहीं हैं। अगर आप देखें तो बेरिश क्रॉस ओवर अभी भी होल्ड कर रहा है और मुझे लगता है कि जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव आएगा एक बार तो नीचे की तरफ जाएगा, अनलेस ये बेरिश क्रॉस ओवर रिजोल्व हो जाए। तो दोस्तों, बेरिश क्रॉस ओवर रिजोल्व होने के लिए बहुत सारे अर्ली इंडिकेशन आपको मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वाला मूव आप देखेंगे तो ये वाले मूव में भी अगर आपको देखें तो दिख जाएगा कि 21 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ था। हालांकि नीचे की तरफ आपको रिजेक्शन दिख जाएगा और दूसरे दिन मार्केट में अच्छा खासा अप मूव आपको देखने को मिला। तो जनरली जब अप मूव आना होता है तो मैकडी जीरो जोन से बहुत ही जल्दी ऊपर आ जाता है और जब ऐसा होता है तो अच्छा खासा अप मूव मिलता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट मतलब दो दिन हो गए, फर्स्ट डे वो नीचे था और आज भी नीचे की तरफ है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट दो दिन नीचे की तरफ था, तो यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए एक बार ऊपर जाता हुआ मूव अपने को दिखना चाहिए, तब हम पोजीशन बनाएंगे। हालांकि अगर आप देखें तो मैकडी का जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके आसपास ही मैकडी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर ऊपर जाता है तो दोस्तों, अगर आपने मेरा जीरो लाइन क्रॉस ओवर वाला मैकडी का वीडियो देखा है तो यहाँ से जब बुलिश क्रॉस ओवर मिलता है तो मार्केट को फुल स्ट्रेच में ऊपर की तरफ जाने का मूव मिलता है और मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड बुलिश क्रॉस ओवर एमए मूविंग एवरेज में भी आपको मिले। आज का मूव मुझे लगता है कि अगर मार्केट को मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव आना था तो मार्केट एटलीस्ट 13 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता। हालांकि ये भी बुलिश साइन ही है, मार्केट आज कम नीचे गया है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले और मार्केट में जो क्लोजिंग है वो भी अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे हुई है। तो बुलिश मूव मुझे सजेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैंने कोई पोजीशन इसमें बनाई नहीं है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो दोस्तों, निफ्टी की जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है वो 9450 से 9700 है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे कि तो ऊपर की तरफ 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं और नीचे तरफ 150 पॉइंट का रिस्क है। कॉल में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कॉल राइटिंग करी है थ्रू आउट ऑप्शन एक्टिविटी रेंज, मुझे कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग मुझे होती दिख नहीं रही है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो है 9700 के लेवल पे। दोस्तों, अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में मोस्टली पुट राइटिंग हुई है, पुट लॉन्ग कवरिंग हुई है 9500 के लेवल पे और पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं 9700 के लेवल में। तो 9700 का लेवल मुझे लगता है कि 9700 में पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं, जो कि एक बेरिश मूव बताता है, और 9700 में कॉल में तो राइटिंग हुई है। तो 9700 का लेवल थोड़ा ट्रिकी रहेगा, अगर मार्केट उस तरफ जाता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं अगर आप लॉन्ग हैं तो। बाकी मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा अभी कुछ इंडिकेशन मिल नहीं रहा है, चूँकि मार्केट अपने लोअर जोन में ट्रेड कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, प्लस थोड़ा बहुत इंडिकेशन भी वैसे ही मिल रहा है। तो दोस्तों, ये हो गया निफ्टी की बात। देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों, लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप बहुत ही तेज़ बोलते हैं, तो थोड़ा धीरे बोलिए दोस्तों, बट मैं क्या करूँ, मैं मेरी नेचुरल टोन ही वैसा है। हालांकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे धीरे धीरे बात करूँ, लेकिन जो है वो थोड़ा है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा धीरे से करके देख लीजिए। दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको देखेगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 13 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और अगर इसके आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो मार्केट में आपको अप मूव डेफिनेटली मिलना चाहिए। अगर आपने देखा हो तो मार्केट में अप मूव मिला है, अच्छा खासा अप मूव मिला है मैं कहूँगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करूँ तो। उसका रीज़न यह है कि 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेना, अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट ने
सपोर्ट लिया था 21 दिन की मूविंग एवरेज पे और यहाँ पे उसने लिया है 13 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो ये दर्शाता है कि मार्केट के जो लोज हैं वो ऊपर की मूविंग एवरेज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक अच्छी बात है, बुलिश इंडेक्स की तरफ इशारा करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो होता यह है कि अगर यहाँ पे आपको बाय चांस बुलिश क्रॉसओवर मिलता है तो फिर 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर आप चाहें तो 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप सपोर्ट मान के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, इसका जो लो है जैसे सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, 23,450 का स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपको बुलिश पोजीशन बनती है तो आप बाइंग कर सकते हैं। आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ आप चाहें तो, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप 23,526 के आसपास का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों अपने स्टॉप लॉस को डेफिनेटली ट्रेल करना चाहिए, इससे आपको मौका भी मिलता है कि आप और गेंस के लिए एम कर पाएँ और आपको पता भी रहता है कि कितने लेवल पर आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी है। मैकडी की बात करें तो मैकडी में दिखा रहा है कि बुलिश क्रॉस ओवर बनने वाला है लेकिन अभी तक बना नहीं है और चूंकि वीकेंड है तो हमने पोजीशन बनाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव मिल सकता है। सबसे जो क्रूशल पॉइंट यहाँ पे है वो है जो बैंक निफ्टी का RSI का लेवल है वो है 61.40 लेवल पे। दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिए, RSI हम 13 नंबर की यूज़ करते हैं, 13 फिबोनाची नंबर है और 61.80 गोल्डन रेशियो है। आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, जब भी RSI में 61.80 का लेवल आता है तो यहाँ पे आपको बड़ा सा कैंडल मिलेगा। अगर मंडे को मार्केट 61.80 का लेवल यहाँ पे RSI में छू जाता है तो आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव मिल सकता है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात, उसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्या बन रही है, 22,500 नीचे की तरफ और 24,000 ऊपर की तरफ, मतलब 22,500 से लेकर 24,000 की रेंज यहाँ पे दिख रही है, नीचे की तरफ 900 पॉइंट और ऊपर की तरफ 600 पॉइंट दिख रहे हैं। इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन कई बार हमको बहुत सारी चीज़ों को देख के एनालाइज करके मूव बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये एक अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही क्लोज हुआ है, उसके ऊपर क्लोज होने दीजिए फिर हम पोजीशन बनाएंगे, और इसलिए आज हमने पोजीशन नहीं बनाई। अगर मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल में दोस्तों बैंक निफ्टी में आपको हमेशा खिचड़ी सॉर्ट ऑफ ही ऑप्शन एक्टिविटी रेंज मिलती है। कॉल में मुझे दिख रहा है कि कई कई जगह पे बुलिश पोजीशन बनी है और बहुत सारी जगह पे कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक डेली रिपोर्ट भेजता हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि वो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं उनको मैं रिपोर्ट भेजता हूँ, उनको वो दिख जाता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस, क्या LTV, क्या चेंज इन प्राइस, क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उससे क्या इंडिकेशन हो रहा है और कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ, मतलब एक्चुअल फाइनली ओपन इंटरेस्ट का क्या टैली रहा। उसके साथ साथ मैं 3 महीने की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज का एनालाइज करके एक इंपॉर्टेंट लेवल देता हूँ निफ्टी में, वो भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ, मतलब कितने स्ट्राइक प्राइस पे बुलिश पोजीशन बनी, कितने स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग हुई, कॉल शॉर्ट कवर हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं उसमें आपको देता हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है बहुत ही रीजनेबल रेट में, आपको अच्छे खासे लंबे पीरियड के लिए मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे 9574399901 पे मैसेज कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने बैंक निफ्टी पे एनालिस पे, मैंने आपको बताया कि बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है, कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं, ओवरऑल मुझे लगता है कि 23,600 तक की जो भी पोजीशन बनी है वो बुलिश नेस की तरफ इशारा कर रही है। 23,700 से लेके 24,000 पे कॉल राइटिंग और बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है, मतलब 23,700 से लेके 23,900 में कॉल राइटिंग हुई है और 24,000 पे बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। तो इससे कुछ साबित नहीं होता, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। पुट में मुझे लगता है कि पुट में एक क्लियर पिक्चर उभर के आ रहा है, सारी ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की जो भी स्ट्राइक प्राइजेस इंक्लूड होती है उसमें पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग जब भी आप करते हैं तो स्टेबल टू बुलिश प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप पुट राइटिंग करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने पुट राइटिंग करी है या तो मार्केट उस लेवल पर रहे या तो उससे ऊपर जाए, तो इस दोनों केस में आपके पैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है, सबसे ज़्यादा सेंटीमेंटल पुट राइटिंग हुई है वो है 22,600 का लेवल, और सबसे उसके बाद नेक्स्ट लेवल की हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है 23,100 का लेवल। तो दोस्तों जब स्पॉट के करीब पुट राइटिंग होती है तो वहाँ से अपने को इंडिकेशन मिल जाता है कि बहुत ही अग्रेसिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट जो भी 23,100 है उसमें मुझे 91.64% के आसपास ही पुट राइटिंग दिख रही है, जो भी अच्छी खासी है, लेकिन चेंज इन प्राइस उस मोमेंट में ज़्यादा नहीं हुआ। दोस्तों मेरा एक एनालिसिस है जिसमें मैं देखता हूँ कि पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब
ओवरऑल जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है उसके मुकाबले चेंज इन प्राइसेस क्या हुई है, तो उससे मैं एक डोमिनेशन फैक्टर निकालता हूँ और उससे मैं चीज़ों को टैली करता हूँ, तो अपने को पता चलता है कि ओवरऑल कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ख़रीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए। तो दोस्तों वो मैं आपको अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में से इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करिए। दोस्तों व्हाट्सएप में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर चला रहा हूँ जिसमें मैं आपको डेली रिपोर्ट्स भेजूंगा, डेली आपको ये फॉलोअप वीडियो आएगा, उस रिपोर्ट के साथ आप इसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हाई प्रोबेबिलिटी कॉल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की है तो कम ट्रेड करते हैं। उसके अलावा इक्विटी में आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमने एक मैंने इक्विटी में कॉल दिया था उसका जो रिज़ल्ट रहा है वो बहुत ही शानदार है। मैं आपको जस्ट सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा, ये मैंने 13 जून को बताया था कि इक्विटी में आप परचेज़ कर सकते हैं एपटेक को। करंट मार्केट प्राइस थी 214 और टारगेट 240 बताया था, टाइम पीरियड 40-50 दिन का बताया था और स्टॉप लॉस बताया था 203 के आसपास। तो आज आप देखें तो एपटेक में अच्छा खासा अपने को मूव मिला है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऐसे और भी जो हाई प्रोबेबिलिटी कैश में भी जो डील्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा आईपीओ में किस में ख़रीदारी करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, कितनी कितनी पोजीशन मतलब कितना लॉट में आपको बाइंग करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग सब्सक्राइब। उसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन बेचनी है तो उसके लिए भी कॉस्ट ऑफ रेट वगैरह क्या होता है, उसके सारी वो सारी चीज़ें भी हम सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरे से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।